HR News YouTube चैनल जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए हम इस बार खड़े हैं कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान पे और आपको बता दें यहाँ दिवाली से पहले दिवाली मनाने की तैयारी की जा रही है। कैमरा पर्सन से कहेंगे वो थाली भी दिखाएं जिसमें मनाई जाएगी दिवाली से पहले दिवाली। और ये दिवाली से पहले दिवाली क्या है आपको बता देते हैं। कैप्टन अजय सिंह यादव के सपुत्र तिरंजीव राव जो की शकुंतला यादव जी के पूरे आशीर्वाद के साथ पूरी ताकत और मेहनत के साथ यानी कि 2014 की अपने पिता की हार का बदला लेने के लिए जीत करके कहीं ना कहीं सेना अपने सर बांध रही है। तमाम कार्यकर्ताओं की वो ताकत है जिन्होंने चिरंजीव राव के लिए जी जान से बिना रात मेहनत की और ये सीट जीत करके सीधा सीधा कांग्रेस की झोली में डाल दी क्योंकि कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती थी। सीधा सीधा कैप्टन साहब को कहा था कांग्रेस ने, कांग्रेस साहब आपके बेटे को टिकट दी जा रही है, चुनाव जीत करके ये सीट कांग्रेस की झोली में डालने। और कैप्टन अजय सिंह यादव सीधा सीधा कंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन थे, बात करेंगे तमाम जो लोग कार्यकर्ता यहाँ आए हुए जाहिर है कोठी के ऊपर कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ना शुरू हो गए हैं। जैसे पूरा परिणाम आएगा जुलूस की तैयारी यहाँ हो गई है, तमाम लोगों से बात करेंगे। पहला सवाल आपके, आपने बड़ी मेहनत की, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो कप्तान साहब ने अपने विकास कार्य करवाए थे जनता ने, रेवाड़ी की जनता ने उस पर मोहर लगा दी और भाई चिरंजीव राव को भारी मतों से जिता रहे हैं, भारी मतों से जिता रहे हैं। क्या लगता है 2014 की हार का बदला आप लोगों ने ले लिया? बिल्कुल बदला लिया हमने, दिल से लिया, मेहनत करके लिया। 2000 बदला का बदला हमने लिया, रेवाड़ी की जनता ने दिखा दिया, कैप्टन हाउस के साथ रेवाड़ी की जनता साथ है और आने वाले दिनों में चिरंजीव राव हरियाणा सरकार में मंत्री बनेंगे, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, हमारी सरकार बनेगी कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस की सरकार बनेगी। जाहिर है ये वो जिन्होंने कहीं ना कहीं 2014 की हार का बदला लेकर के सीधा सीधा कह दिया कैप्टन अजय सिंह यादव जी आपके बेटे के जरिए ये सीट वापस आपको लौटाई जा रही है। जिस सीट पे आपने सातवीं बार हमसे चूक हुई, सातवीं बार हमने जीता पाए लेकिन आपके बेटे को जीता करके आपकी झोली में वापस उस सीट को डाला जा रहा है। ये उन कार्यकर्ताओं की वो ताकत है जिन्होंने जो अपनी गलती की थी उस चूक को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब निभा दिया और अपनी गलती को मान लिया। क्या कहेंगे? सातवीं बार जिता दिया आप लोगों ने, सातवीं बार जीते हैं, छह बार हमारे कैप्टन साहब जीते, उनके सपुत्र चिरंजीव राव पहली बार जीत रहे, 33 साल के में उनका पहला इलेक्शन है, पहला MLA हमारा रेवाड़ी से चिरंजीव राव बना, इससे पहले कैप्टन साहब 6 बार MLA बन चुके हैं, 6 बार बन चुके हैं, युवा कह रहे हैं, युवा सोचे। एक मैसेज सीधा सीधा कैप्टन अजय सिंह यादव ने एक बार दिया था इस चुनाव में जैसे टिकट मिली थी कि जिस तरीके से मुझे नवासी में जब मैं युवा था मुझे बनाया था वही युवा चेहरा आपको दे रहा हूँ, आप एक बार इसको जिता लो, आपके काम लगातार ये करता रहेगा, 6 बार मुझे जिताया लगातार एक बार समझ लेना। तो जाहिर है लोगों ने उस चीज को समझा और सीधा सीधा जीत करके कैप्टन अजय सिंह यादव की झोली में डाल दिया। जनता ने भी बराबर का जवाब दे दिया, कैप्टन साहब आपने बेटा दिया था हमने उसको बना के भेज दिया, क्या कहेंगे? अब आपने बना दिया, हाँ बता लो इसको कोई नहीं करेगा। जो हमारी जीत है जनता जनार्दन की जीत है और हमें सभी जातियों ने जो हमारा सहयोग करा है उसके हम बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं और चिरंजीव राव को मंत्री बना के रहेंगे, मंत्री बनेगा, मंत्री बनाते रहेंगे। आपसे अपील करता हूँ माइक आईडी को कोई हाथ ना लगाए, सीधा सीधा अपने मोबाइल, ये देखिए तमाम कार्यकर्ता जो है ना यहाँ आना स्टार्ट हो गए, पूरी फैमिली यहाँ बैठी हुई है और एक तैयारी हो रही है कि जैसे ही बेटा यहाँ रिजल्ट लेकर के आए और इस थाली से दीपावली से पहले दीपावली मना करके रिजल्ट किया जाए। क्या कहेंगे आप? तो लगातार लगी हुई है कैप्टन साहब के साथ, कैप्टन साहब 6 बार जीते हैं, सातवीं बार उनके बेटे ने मारा सत्ता, लेकिन आने वाले टाइम में ये प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे मुंह से बोली हुई बात सरस्वती की होती है, अब कहां से क्या निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, निकला तो जाहिर है कहीं ना कहीं सच्चाई निकल भी सकती है। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या कहेंगे? अब आप तमाम लोग हमें यहाँ लगे हैं, अच्छे समय के आदमी है, हम तो एक दीदी के साथ खड़े हो जाते हैं 3 साल और काम करेंगे, काम करेंगे,
काम कर रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ, ना मेरे पास हार है ना कोई माड़ा है, मेरी सारी दुआ साथ करो। ये दुआ दुआ देखिए, कहीं ना कहीं सीधा सीधा बता रहे कार्यकर्ता कि हमारे पास सिर्फ संघर्ष करने की थी गुंजाइश, संघर्ष हमने किया, तन मन और धन से हमने किया। तमाम जो लोग हैं दिनों रात जो पुराने कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए, क्या कहेंगे आप लोग? आप लोग प्लीज साइलेंट, आप बात करने से पहले आपकी बात को सुना जा सके, आप क्या कहेंगे? लगातार आप लोग लगे हुए थे। चिरंजीव राव ने ये कहा था जनता से, रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र की जनता से, कि आपने मेरे दादा स्वर्गीय राव अभय सिंह जी को पहले ही बार आपने जिताया, और मेरे पिता श्री कैप्टन अजय सिंह यादव को भी पहली बार जिताया, और आप मेरे को भी पहली बार ही जिताना, तो रेवाड़ी विधानसभा की क्षेत्र ने अपना वादा पूरा किया है। बताइए, आप लोग तमाम लगे हुए थे 2014 में, आप लोगों ने कहीं ना कहीं मौका गवा दिया जीत का, लोकसभा में 2019 में गवा दिया, बदला ले लिया आपने। और जो चेहरे खड़े हुए जो नहीं वोट दिए, और भाई उनसे भी कह रहा हूँ तो देखो आगे ध्यान रखना, आगे ध्यान रखना। एक बड़ी बात इन्होंने कही है, एक बड़ी बात इन्होंने कही है, वो समझाना भी जरूरी है। मैडम भी यहाँ बैठी है, 2014 में जो चैचन आपके साथ धोखा करके गए, अब उनको आप चीजों को ध्यान में रखना है जिन्होंने आपके लिए काम किया है। कहीं ऐसा नहीं है फिर आप वो गलती करके उसका खामियाजा फिर मैडम क्योंकि आपसे इसलिए कहा जा रहा है। धोखा दिया था 2014 में, 2014 में, 2014 में कैप्टन का सदस्य उन्होंने ही रोका था। सीधा सीधा ये एक सवाल आप लोगों से है, और ये चेतावनी भी है मैडम, मैं कैमरे के ऊपर आपको कह रहा हूँ, ये कार्यकर्ताओं का मन न टूटे जिन्होंने मेहनत की है, क्या कहेंगे? बहुत मेहनत किया मिश्रा जी ने भी, ये नहीं की जीते तुरंत दिन रात बाकी ये दीपावली से पहले जो दीपावली का जश्न हम आपको दिखा रहे हैं, कोठी से लगातार एचआर न्यूज इसीलिए दिखा रहा है कि जाहिर है एक सपना था जो नवासी में मुझे एक बार बनाया कैप्टन साहब ने, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था तो एक ही चीज जनता से कही थी, मुझे बनाया था उसी तरीके से एक बार इसको जिता देना, लगातार आपकी उसी तरीके से वही सेवा विकास ये करेगा, तो कहीं ना कहीं जनता ने उनकी बात को माना, सिरे चढ़ाया और ये जीत करके चिरंजीव रागी जिता करके कहीं ना कहीं झोली में डाल दी है। अब फैसला करना है कैप्टन अजय सिंह यादव को, जो वादा किया था कि इसको मंत्री बनाना मेरी जिम्मेदारी है, जाहिर है लालू के जमाई है और कैप्टन के बेटे चुनौती बनी है। अब गेंद है कैप्टन अजय सिंह यादव के पाले में, वो अपने वादे में कितना खरा उतरते हैं, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह यादव चुनाव नहीं लड़े, उनके बेटे लड़े, क्या कहेंगे मंत्री बनेगा भाई साहब? पहले बार रेवाड़ी की जनता ने राव अभय सिंह को जिताया पहले इलेक्शन, और दूसरी बार जब कप्तान साहब खड़े हुए तो पहला इलेक्शन जीता है वो भी 33 साल की, और भाई चिरंजीव भी 33 की में छह बार जीता है, ये भी लगातार छह बार। देखिए ये 33 का आंकड़ा पीढ़ी दर पीढ़ी जो रेवाड़ी की जनता ने कैप्टन परिवार को जिताया, तो जाहिर है अब सीधा सीधा एचआर न्यूज फिर एक सवाल खड़ा करता है कि अब पाड़े में गेंद है कैप्टन अजय सिंह यादव के, या तो मंत्री बना लाना नहीं है जनता के साथ कहीं ना कहीं धोखा होगा, क्योंकि जो वादा आपने किया था अब उसकी लड़ाई कैप्टन अजय सिंह यादव को लड़नी है चंडीगढ़ में। सीधा सीधा ये एक सवाल एचआर न्यूज का है, आप क्या कहेंगे? तमाम आप लोगों ने सफल हो गई, कैप्टन साहब के साथ जो है पूरे जीवन से साथ रहे हैं, और अब शहर और गांव की जनता ने जो भाई को बनाया है वो भी लगातार 7 बार जीतेंगे, और मंत्री का बड़ा पद मिलेगा इन्हें, और युवा जो है सबसे कम उम्र के हमारे चिरंजीव राव यहाँ से विजय होंगे हरियाणा में। आप लोगों से हम कुछ एक और दो चीज जानना चाहेंगे, आप ये बताइए कांग्रेस को जिताने में क्या मुद्दे हैं रहे, जो यानी कि दोबारा विकास के देख रहे हैं, ये लोगों का साथ और सहयोग है, जुमलेबाजी से एक बार सरकार बन सकती है बार बार नहीं बन सकती, जिस प्रकार बेरोजगारी और भ्रष्टाचार रहा, जिसे लोगों की जनता में ये रहा, और लोगों ने कांग्रेस सरकार को जिताने में जो साथ दिया है उसका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और आने वाले समय में भाई चिरंजीव राव
जो कि हरियाणा। देखिए आपको बता दें, कार्यकर्ता उन्हीं मुद्दों को पकड़ गए जो कैप्टन अजय सिंह यादव ने चुनाव स्टार्ट होते कही थी, बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था। कहीं ना कहीं लोगों की जेब में पैसा नहीं था, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल था, रोजगार था नहीं। कार्यकर्ता उस चीज को वोट पर तक समझाने में कहीं ना कहीं सक्षम हुए और उसका फायदा सीधा सीधा चिरंजीव राव को मिला। कैप्टन अजय सिंह यादव ने चुनाव के वक्त कहा था, युवा चेहरा आपको दे रहा हूँ, नई सोच होगी, नई ऊर्जा आएगी, मैं भाग चुका, अब इसको दौड़ाओ, जितना बेटे को दौड़ाओगे उतने इलाके के लिए फायदा होगा। और भी हमारे साथ लोग हैं मैडम, अब आप एक से नया युवा चेहरा है, क्या नई सोच आप मानते होंगे, आपका भतीजे है? नई सोच ये है कि वो युवा की सोच उसको समझ है और यहाँ के लोगों की उसको समझ है, पकड़ है कि इनकी क्या जरूरत है और हमारे बच्चों को क्या। अभी मैंने उसका भाषण सुना था, जहाँ जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने कि युवाओं को जो है निजी कंपनियों में आरक्षण होना चाहिए, उनको नौकरी मिलनी चाहिए और उनको आगे आना चाहिए। तो युवा सोच है, नया ही सोचेंगे, नया ही सोचेंगे। युवाओं को चाहिए रोजगार और रोजगार सोच सकता है युवा, युवा का दर्द युवा समझ सकता है, महिलाओं का दर्द महिलाएं समझ सकती है, क्या चाहिए। तो जाहिर है अब चुनौती कहीं ना कहीं चिरंजीवी राव के पास उससे कहीं ज्यादा हो गई है इन युवाओं के लिए जो अहिरवाल के युवा हैं। और क्योंकि रेवाड़ी एक औद्योगिक क्षेत्र है, कैप्टन अजय सिंह यादव के समय में बावल और धारवाड़ा जो औद्योगिक क्षेत्र बना, उन युवाओं को कहीं ना कहीं उन औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों में कहीं ना कहीं यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, ये चिरंजीवी राव के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कैप्टन अजय सिंह यादव के निवास स्थान से कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी। आप सभी क्षेत्रवासियों को आत्म प्रकाश यादव हॉस्पिटल की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।